हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महानगर के प्रमुख मार्गों का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने, डिवाइडर बनवाने सहित जाम से निपटाने के दिए निर्देश। एमआर अभिषेक शुक्ला हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 25,000 का इनामी हत्या आरोपी गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया पूरे मामले का खुलासा। गोरखपुर न्यूज के खबर का असर, गायब व्यक्ति लौटा अपने घर, परिजनों ने चैनल के प्रति व्यक्त किया आभार, कहा धन्यवाद गोरखपुर न्यूज चैनल। कबड्डी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, 1 दिसंबर से शुरू हो रहा ब्रह्मलीन परम पूज महंत अवैध नाजी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता, विजेता टीम को मिलेगा 2 लाख रुपए का पुरस्कार। कमिश्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडलीय उद्योग बंधुओं की बैठक, उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण के दिए निर्देश। समाज में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली गई सद्भावना सौहार्द मोटरसाइकिल रैली, शामिल हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी। भाजपा युवा मोर्चा महानगर के कार्यकर्ताओं ने किया महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई, कहा युवा संसद में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का 9 दिसंबर को लखनऊ में होगी रैली, जिला व महानगर अध्यक्ष ने दी जानकारी। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की बैठक, साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा, व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण के दिए गए निर्देश। जनपद स्तरीय बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का सीडीओ ने किया उद्घाटन, कहा विजयी प्रतिभागियों को गोरखपुर महोत्सव में किया जाएगा सम्मानित। एनसीसी दिवस के अवसर पर 46वीं उत्तर प्रदेश BNNCC के छात्रों ने किया रक्तदान, दिया मानव धर्म का संदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर कार्यकारिणी का हुआ गठन, प्रोफेसर एनके राणा अध्यक्ष और सौरभ गौंड बने महामंत्री। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के तत्वावधान में आयोजित लोक कल्याण जन संघर्ष सम्मेलन, SC ST एक्ट समाप्त करने सहित आरक्षण के अन्य बिंदुओं पर की गई समीक्षा। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय से राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। और GCA के अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग में कुशीनगर ने सिद्धार्थ नगर को 6 विकेट से हराया।